हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आज आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ डैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, डैट इज़ द प्रोजेक्ट अप्रेजल। और ये जो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी जो है काफ़ी जगह पे ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी ये टॉपिक जो है कवर होता है। और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अप्रेजल वाला वीडियो जो है जो लेक्चर में डालने जा रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से प्रोजेक्ट अप्रेजल करती है या प्रोजेक्ट अप्रेजल की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट अप्रेजल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर जो वेरियस अप्रेजल्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक अप्रेजल है, टेक्निकल अप्रेजल है, फिनेंशियल अप्रेजल है, तो वो सारा जो है मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम के अंदर अगर पूरा जो क्वेश्चन आता है डैट इज़ ऑन प्रोजेक्ट अप्रेजल। जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के वेरियस पार्ट्स है जैसे टेक्निकल अप्रेजल है, फिनेंशियल अप्रेजल है, तो ये अपने आप के अंदर क्या है कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अप्रेजल एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमने हर एक अप्रेजल के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, तो वो इसके अंदर मैं कवर करने जा रही हूँ प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर। टेक्निकल अप्रेजल जो है मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर कवर किया हुआ है, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर जो है चेक कर सकते हैं। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर जैसे फाइनेंशियल अप्रेजल है, टेक्निकल अप्रेजल है, फाइनेंशियल अप्रेजल है, और जो भी मतलब कमर्शियल अप्रेजल है, डिमांड एनालिसिस है, उन सब के ऊपर जो है मैं अलग से वीडियो जो है बनाऊं। पर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अप्रेजल का मैं वीडियो बना रही हूँ, जो लेक्चर आपको दे रही हूँ कि प्रोजेक्ट अप्रेजल का अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमने, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर करना होता है, तो उसके अंदर हमने जो वेरियस एंगल जिससे हम प्रोजेक्ट को अप्रेज करते हैं उसके बारे में ब्रीफली जो है लिखना होता है। तो वो ब्रीफ एंगल जो है, ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल मैं यहाँ पे कवर करने जा रही हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रही हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर जो है आपने किस तरह से लिखना है, ब्रीफली लिखना है। और इसके रिटर्न नोट जो है मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसाइड करती है कि हमने एक प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट करना है, तो जो वो प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट करती है उसका भी अप्रेजल करती है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है जब ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसकी वायबिलिटी को चेक करती है। और उसी तरह क्या होता है कि जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है जो हमें लोन प्रोवाइड करता है, वो भी प्रोजेक्ट का अप्रेजल करता है, क्योंकि उसने भी देखना होता है कि जिस प्रोजेक्ट को वो लोन देने जा रहा है, जिसको फिनांस करने जा रहा है, क्या वो वर्थवाइल है या नहीं है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर क्या है कि जो वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट इस पोजिशन में है कि वो एडिक्वेट रिटर्न जो है जनरेट करेगा। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है डैट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिटेल्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट एंगल से जो है एनालाइज किया जाता है। इवन जो प्रमोटर्स हैं तो वो भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं, वायबिलिटी को चेक करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी का मतलब होता है कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली देखो, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा भी जो है इन्वॉल्व किया जाता है, रिसोर्सेज की कमिटमेंट होती है और टाइम भी उसके अंदर जो है डिवोट किया जाता है। तो क्या ये वर्थवाइल है प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एक टूल होता है जिसके अंदर कंपनी जो है जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको एवेलुएट करती है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि बेस्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करती है। और देखो, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कंपनी जो है प्रोजेक्ट करने से पहले प्रोजेक्ट अप्रेजल करती है, जैसे वेरियस प्रोजेक्ट्स उनके पास आइडियाज़ होते हैं तो उनके असेसमेंट करती है। और उसी तरह जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं जो फिनांस देने जा रहे होते हैं, तो वो भी सेटिस्फाई करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वर्थवाइल है या नहीं है। जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, देखो उनको ये देखना होता है कि जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट लगाना है उसके अंदर क्या वो प्रोजेक्ट वायबल है, क्या वो अगर वो सेटअप हो जाता है तो क्या वो एडिक्वेट रिटर्न जो है जनरेट करेगा, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट प्रॉफिट या सफिशिएंट रिटर्न जनरेट करेगा जिसके बेसिस पे वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं
जब वो फिनांस ग्रांट करने से पहले प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट विद ए व्यू टू डिटर्मिनिंग द ओवरऑल फिजिबिलिटी, यहाँ पे इसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाता है और ये देखा जाता है क्या इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और इसके अंदर वेरियस एंगल जैसे टेक्निकल एंगल है, फाइनेंशियल एंगल है, इकोनॉमिक अप्रेजल है, सारे अप्रेज मतलब सारे एस्पेक्ट से जो है इसको एनालाइज किया जाता है कि क्या इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट को सेटअप करना जो है वर्थवाइल है या नहीं है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है, जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट लगाती है तो उसको वेरियस एंगल से जैसे इकोनॉमिक है, सोशल है, फाइनेंशियल वायबिलिटी है, उसकी चेक करती है और उसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि मैंने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर टेकिंग द डिसीजन कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है लगाना है, उसका प्रपोजल की वायबिलिटी चेक करती है। उसके बाद क्या होता है कि जब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे हमने लोन लेना होता है, जिसने इस प्रोजेक्ट को फिनांस करना होता है, वो भी इसकी वायबिलिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की चेकिंग होती है वेरियस एंगल से स्टडी होती है, वेरियस एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रीफली लिखा है इकोनॉमिक अप्रेजल, जिसके अंदर देखो इकोनॉमिक अप्रेजल के अंदर क्या होता है कि जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो देखते हैं कि ये हाई प्रायोरिटी के अंदर आता है कि नहीं आता, ये कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसका सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल के अंदर होता है कि प्रोजेक्ट का स्केल क्या है, किस तरह का प्रोसेस, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सुटेबिलिटी क्या है। मैनेजरियल के अंदर देखा जाता है कि जो प्रमोटर्स हैं क्या वो एडिक्वेट है, कॉम्पिटेंट है, क्वालिफाइड है कि इस प्रोजेक्ट को वो कैरी ऑन कर सकते हैं। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को असेस किया जाता है। फाइनेंशियल के अंदर देखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, सोर्सेज क्या है, रिटर्न क्या जनरेट करेगा। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट है डिफरेंट एंगल से जो है उसको एनालाइज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि देखो ये सारे एस्पेक्ट से लॉजिकली फंडामेंटल है, क्योंकि देखो जो बैंक्स हैं वो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को फिनांस नहीं करेंगे जब उनको लगता है कि प्रोजेक्ट जो है हाई प्रायोरिटी एरिया के अंदर फॉल करता है और जो लोकल सोर्सेज हैं, रीजन के सोर्सेज हैं, उनको यूज़ करता है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर क्या है कि वो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट कितना इंक्रीज़ होगा, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, गवर्नमेंट को किस तरह से रेवेन्यू देगा, किस तरह से इसकी अर्निंग होगी, किस तरह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन होगा, नेशनल इनकम के अंदर इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है असेस की जाती हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो सेकंड एस्पेक्ट है डैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सेटअप किया जाएगा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप किया जाएगा, किस तरह का स्टाफ रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट के अंदर जो है देखी जाती हैं, जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह की मैनेजमेंट की जाएगी, किस तरह से लोगों को रखा जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट के अंदर स्टडी की जाती हैं। मैनेजरल एस्पेक्ट के अंदर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं बट पुअर मैनेजर मैनेजमेंट एबिलिटी होती है प्रमोटर्स के पास, तो वो फेल हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट जो है डैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो प्रोजेक्ट को या तो सक्सेसफुल बना सकता है या उसकी फेलियर के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होता है। एक अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है पुअर मैनेजमेंट जो है, अगर उसको सही ढंग से मैनेज ना किया जाए तो वो फेल हो जाता है। बट उसी तरह क्या होता है कि अगर पुअर प्रोजेक्ट है तो अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो वो सक्सीड कर जाता है। तो जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जिसने मैनेजमेंट का अप्रेजल किया था, तो उन्होंने ये देखने के लिए कि कंपनी की हेल्थ और इसके फ्यूचर के अंदर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उन्होंने 6% जो था टोटल अर्निंग को वेट दिया था, और जो ग्रेटर वेट था वो जो क्वालिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव है 22%, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उन्होंने 13% दिया था। तो क्योंकि मैनेजमेंट जो है डैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी कहाँ से आएगी, वो मैनेजरल एस्पेक्ट से ही क्या होता है हाईलाइट होती है। तो इसलिए मैनेजरल एस्पेक्ट को ज़्यादा वेट देना जो है एसेंशियल है, कि अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट विल गो ए लॉन्ग वे। बट अगर क्या है कि
मैनेजमेंट पुअर है तो एक अच्छा प्रोजेक्ट भी जो है कचरे में जाके रहे, मतलब वो भी क्या है कि वो फेल हो जाएगा, वो भी सक्सीड नहीं हो पाएगा। और उसी तरह देखो जो मैनेजरल एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर दो चीज़ें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जामिन करते हैं, एक तो क्या है कि प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या है, कितनी जल्दी जो है इसका ब्रेक इवन आ जाएगा, कितनी जल्दी ये इसको रिटर्न जनरेट होगी ताकि लोन और इंटरेस्ट जो है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ये पे कर पाएगा। तो उसी तरह ये देखते हैं कि जो बोरोअर है कि उसकी विलिंगनेस क्या है कि वो लोन रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब देखो जो कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है इसके अंदर टेक्निकल, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल अप्रेजल किया जाता है जो कि क्वांटिटेटिव है, और जो विलिंगनेस टू पे होती है ये मैनेजमेंट अप्रेजल होता है जो क्वालिटेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। और ये डिपेंड करता है कि सोल प्रोपराइटरशिप है तो उस केस में क्या होता है कि जो सोल प्रोपराइटर है उसका जो है उसका एनालिसिस होता है, पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर्स होते हैं, और उसी तरह क्या होता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं, और उसी तरह जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और उसी तरह देखो जो मैनेजमेंट अप्रेजल है इसके अंदर जो लोगों की स्टडी होती है उनकी इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्ट क्या है, और वो दूरदर्शी कितनी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल स्किल्स क्या है, कमिटमेंट लेवल क्या है उनके अंदर क्या है, कि ये सारी चीज़ें जो है मैनेजरल एस्पेक्ट के अंदर स्टडी की जाती हैं। अब हम देखते हैं टेक्निकल अप्रेजल, इसको मैंने प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर जो है टेक्निकल अप्रेजल बहुत डेप्थ के अंदर जो है मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग ब्रीफली। जितने भी ये अप्रेजल मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली करवाने जा रही हूँ इनके मैं अलग से जो है वीडियो जो है डालूंगी। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है कि एग्ज़ाम के अंदर अगर प्रोजेक्ट अप्रेजल पे आ जाता है क्वेश्चन तो हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक आधा अप्रेजल लिखते हैं बाकी अप्रेजल लिख के ही नहीं आते। तो जब प्रोजेक्ट अप्रेजल पे क्वेश्चन आता है तो हमने पूरे के पूरे पॉइंट जो है ब्रीफली देने होते हैं। और टेक्निकल अप्रेजल के अंदर क्या है कि देखो जो हमने जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी नेचर क्या है, किस तरह का प्रोसेस हमने यूज़ करना है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, और अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हमने मास प्रोडक्शन टेक्निक अडॉप्ट करनी है, और कोशिश होनी चाहिए कि अगर फर्म के ऊपर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन नहीं है तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके वेरियस वेज होते हैं, ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं, तो कौन सा प्रोसेस, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट करनी है, हमारा साइज़ क्या होएगा, वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, रॉ मटेरियल हमने कहाँ से सिलेक्ट करना है, इंडिजिनस है, बाहर से है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, टेक्निकल नो हाउ अगर हमें चाहिए तो वो किस तरह से हमने अरेंज करनी है, क्या वो भी हमने डोमेस्टिक से लेनी है, फॉरेन से लेनी है, किस तरह से उनके साथ कलेबोरेशन एग्रीमेंट करने हैं। और जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं जैसे अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो किस तरह से हमने अपनी प्रोडक्ट मिक्स को जो सिलेक्ट करना है और हर एक प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से वेरिएशन हमने ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है टेक्निकल अप्रेजल के अंदर जो है डिटरमिन की जाती है, कहाँ पे हमने अपना प्लांट जो है लोकेट करना है, वहाँ पे कौन से फैक्टर हैं जो हमने देखना है, रॉ मटेरियल के पास हो, मार्केट के पास हो, वहाँ पे पावर की अवेलेबिलिटी हो, लेबर की अवेलेबिलिटी हो, तो किस तरह से प्रोजेक्ट को हमने एक सुटेबल लोकेशन जो है सिलेक्ट करनी है, मशीनों का अरेंजमेंट किस तरह से करना है, फिर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि किस तरह से हमने लैंड एक्वायर करनी है, डेवलप करना है, किस तरह से हमने उसकी नक्शा बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, मशीनरी का ऑर्डर देना है, मशीनरी को सेटअप करना है, और उसके बाद हमने अपने प्लांट को स्टार्ट करना है। तो ये सारा जो है टेक्निकल अप्रेजल के अंदर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखा जाता है। और उसी तरह नेक्स्ट देखो ये वाला जो अप्रेजल है डेट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट अप्रेजल, क्योंकि पहले क्योंकि जब भी हमने प्रोजेक्ट लगाना होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ें जिस चीज़ का हमने प्रोजेक्ट लगाना है क्या उसकी मार्केट उतनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मार्केट अप्रेजल या कमर्शियल एस्पेक्ट या डिमांड अप्रेजल डेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोजेक्ट अप्रेजल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये चीज़ें रेवेन्यू लेके आती है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगर जैसे मान लो किसी रिमोट एरिया के अंदर हम रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर रिमोट एरिया के अंदर है तो कौन आएगा वहाँ पे खाने पीने के लिए, हमने इतना पैसा भी इन्वेस्ट किया बट वहाँ पे नोबडी इज़ कमिंग टू द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे नेचुरली जब भी हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो कितनी डिमांड है, क्योंकि डिमांड कितनी डिमांड है, क्या वो डिमांड सफिशेंट है, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट लगाना है वहाँ पे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या है और उसके अंदर जो है टोटल डिमांड क्या है, जो अदर प्लेयर हैं उनका क्या शेयर है और हमारा शेयर क्या होएगा,
और किस तरह की हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने यूज़ करना है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह की रखनी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं क्या वो प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर है या गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसके अंदर एनालाइज करनी है। और उसी तरह देखो जो फिनेंशियल एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हमने प्रोजेक्ट लगाना है बिना पैसे के तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि देखो हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, हमें फिक्स एसेट भी चाहिए, तो यहाँ पे फिनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं इसकी इसके ऊपर पैसा कितना खर्च होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगी, कितना रेवेन्यू ये हमें जनरेट करेगा। तो यहाँ पे फिनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर जो है हम चेक करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम यूनिट लगाने जा रहे हैं उस पर खर्चा कितना आएगा और कितना रेवेन्यू वो जनरेट करेगा। इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ फिनांसिंग, हमारा कैश फ्लो एस्टीमेट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब देखो जो फाइनेंशियल अप्रेजल है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, अगर हमने लैंड और साइट जो है अगर हमने लीज पे लेनी है, अगर हमने खुद की परचेज करनी है तो कितना खर्चा आएगा, लीज पे लेनी है तो लीज रेंट कितना आएगा, किस तरह के प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, किस तरह के एक्सपर्ट्स से हमने टेक्निकल नो हाउ लेनी है, उनको कितनी फीस देनी है, क्या वो बाहर से अरेंज करना है, फिक्स एसेट पे हमारा खर्चा क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने से पहले होते हैं, और जो कंटीजेंसी है, जो एमरजेंसीज हैं, क्योंकि कई बार जो हम प्लान आउट करते हैं कॉस्ट एस्केलेट हो जाती है और कोई कंटीजेंसीज के लिए हमने कितने प्रोविजन रखे हुए, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है, और अगर हमने वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का अर्थ होता है कि जो डे टू डे रनिंग है, तो उसके लिए हमने कितना मार्जिन जो है अपने पॉकेट से लाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर असेस की जाती हैं। तो पहले जब हम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के इतना फिक्स एसेट पे होगा, इतना वर्किंग कैपिटल पे होगा, इतना कंटीजेंसी पे होगा, तो ये इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का जब हम एक्यूरेट एस्टिमेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सोर्सेज हैं। देखो अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं तो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर कंपनी है तो ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो नेचुरली वहाँ पे जो प्रोप्राइटर है उसका अपना कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो फ्रेंड्स और रिलेटिव से कितना लेगा, बैंक्स और फिनांस से कितना ले सकता है, तो यहाँ पे उसके पास कितनी कोलेट्रल सिक्योरिटी है देने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना हिस्सा जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो कंट्रीब्यूट करेगा और कितना वो लोन ले सकता है, ये 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसी तरह देखो कैश फ्लो एस्टिमेट्स के अंदर क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से जो चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करता है उस पर खर्चा कितना आएगा और उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, कितनी जल्दी ब्रेक इवन आएगा, कितनी जल्दी प्रॉफिट जनरेट होगा और ये प्रॉफिट का क्वांटम क्या होगा। और उसी तरह प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के अंदर क्या है कि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं, यहाँ पे जो एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल का स्ट्रक्चर समझा जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे ये देखा जाएगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन और उसकी जो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ द फंड्स, कहाँ से फंड्स आएंगे, कहाँ पे फंड खर्च होंगे, और जो लोन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे दिया है उसका एसेट एंड लाइबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो फिनेंशियल अप्रेजल के अंदर क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है असेस की जाती हैं।